हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि बेबी केयर लाइफ पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि वो टॉपिक ये है कि कौन सा मसाज ऑयल बेबी के लिए बेस्ट होता है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको तीन चार चीजें बताऊंगी। पहला ये कि बेबी को मसाज देना कब से शुरू करें, दूसरा ये कि बेबी को मसाज हम लोग देने के पहले क्या क्या सावधानियां रखें, तीसरा ये कि बेबी को कौन से बेबी ऑयल से हम मसाज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि बेबी केयर लाइफ पर। जानते हैं कि बेबी को हमें मसाज देना कब से शुरू करना चाहिए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है और स्किन बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि वो उसकी वार्मथ को बनाए रखती है, यानी उस शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसे बाहर नहीं जाने देती। इसलिए बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरा ये जो उसकी स्किन है वो उसको बाहरी इन्फेक्शन से बचाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेबी की स्किन उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके केयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक बच्चा एक महीने का नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार की मसाज रिकमेंडेड नहीं है। आप बेबी ऑयल लगा सकते हैं ताकि उसका मॉइस्चराइजर बना रहे, लेकिन उसे रगड़ रगड़ कर मसाज करने की जरूरत नहीं होती है। जब बच्चा एक महीने के बाद, मसाज क्यों जरूरी होता है, बेबी के लिए मसाज क्यों जरूरी होता है? पहला पॉइंट ये है कि उससे टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, यानी कि बच्चा जब माँ का स्पर्श उसे मिलता है तो उसे माँ के बारे में पता चलता है, माँ की तरफ से एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, वो उसे समझ में आता है कि ये मेरी माँ है, मैं इसका बेबी हूँ। सिमिलरली माँ को भी अपने बच्चे के ऊपर बहुत प्यार आता है। जब बच्चा को माँ मसाज करती है तो उसका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से कई सारे हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की भूख बढ़ती है और उसका वजन भी बढ़ता है। बच्चे के मसाज से उसका बोन्स भी स्ट्रांग होता है। जिन बच्चों को मसाज मिलता है उनका कॉर्टिसोल लेवल कम रहता है, उनको स्ट्रेस कम होता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी नींद अच्छी होती है, ऐसे बच्चे रोते कम है, चिड़चिड़ाते कम है। तो इसलिए ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बेबी मसाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। यूजुअली क्या होता है, घरों में मसाज के लिए हम आया रखते हैं या फिर बड़े बूढ़े उसका मसाज करते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि मसाज कोई बहुत बड़ी आर्ट है, कोई बहुत ही कठिन चीज है जिसे कोई एक स्पेसिफिक आदमी, कोई बहुत जानकार आदमी कर सकता है, बच्चे की माँ नहीं है वो नहीं कर सकेगी। ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चे की मसाज जो इंसान सबसे अच्छे से कर सकता है वो उसकी माँ ही है, क्योंकि वो जो टच है जिसकी वजह से बच्चे में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है वो टच माँ का होता है। जो आया होती है वो अक्सर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मैन्युअल करती है, कई अलग अलग तरीके से बच्चों को मोड़ती मरोड़ती रहती हैं, जिससे उनको डैमेज होता है, इंजरी होता है। तो आया से आप मसाज करवाना अवॉइड करें और जितना हो सके खुद मसाज करने की कोशिश कीजिए। मसाज कितने देर तक करना है और कितनी बार करना है? यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि जितना मसाज करो उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। मसाज मैक्सिमम 2 या 3 बार अगर आप करें इतना सफिशियंट होता है। अगर इससे आप ज्यादा करेंगे तो स्किन डैमेज होगी और कुछ नहीं होने वाला है। कितने देर तक करना है, 15 मिनट सफिशियंट होता है एक बच्चे के लिए, इससे ज्यादा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मसाज करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, जैसे कि आप सुबह नहाने के पहले या फिर रात को सोने के पहले या नहाने के बाद, इस तरीके से आप उसका टाइम फिक्स कीजिए। जब आप बच्चे को तभी मसाज करें जब बच्चा इरिटेटेड ना हो, बहुत ज्यादा रो नहीं रहा हो, वो सो नहीं रहा हो या ज्यादा परेशान ना हो। आप जिस रूम में मसाज करें वो रूम वार्म होना चाहिए। अगर वो रूम गर्म नहीं होगा तो बच्चे को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हैं, बच्चा ठंडा पड़ जाएगा और फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। लाइट हल्की मध्यम रहे, बहुत ज्यादा तेज ना रहे, बच्चे की आंख पर तेज रोशनी नहीं आनी चाहिए, ये एक बात का भी ध्यान रखिए। जब भी आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं उसकी आंखों में देखिए और उससे कुछ ना कुछ बातें करने की कोशिश कीजिए। बात करते हुए मसाज करेंगे तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा, आपकी तरफ अटेंशन देगा, ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट होगी और ऐसे बच्चे जल्दी बोलना भी सीखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है बच्चे को शांत करने का, बच्चे को सिखाने का, तो ये भी आप जरूर कीजिए। बच्चे को मसाज करते हैं तो मॉडरेट प्रेशर ही देना है और मसाज करते समय बच्चे के इमोशंस को भी देखिए। अगर आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो पेनफुल चेहरा बनाएगा, तो तुरंत आपको अपना प्रेशर कम करना है। मॉडरेट हाथों से ही उसकी मसाज करना है, बहुत जबरदस्ती बहुत रगड़ रगड़ के नहीं करना है।
मसाजिंग जो ऐसी प्रोसीजर है जिसमें बेबी भी खुश होना चाहिए, आप भी कंफर्टेबल और खुश होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप बेबी का मसाज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन सा मसाज ऑयल बेस्ट होता है बेबी के लिए और हम मसाज ऑयल कैसे चूज करें। अगर आप देखेंगे, मार्केट जाएंगे या इंटरनेट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कई सारे ब्रांड्स, अनलिमिटेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं बेबी मसाज ऑयल के। तो आप इसमें से कैसे चूज करें, तो ध्यान से सुनिए मैं आपको जो बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये जो वीडियो है ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी ब्रांड ने या किसी और ने इसको स्पॉन्सर्ड नहीं किया हुआ है। जो मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ वो टोटली साइंटिफिक और टोटली जेन्युइन है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑयल बेस्ट होता है और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां अवॉइड करनी है। तो सुनिए, जो हम जो ऑयल जो यूज करते हैं वो दो टाइप के प्राइमरी होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नेचुरल ऑयल और दूसरा जो होता है वो होता है मिनरल ऑयल। नेचुरल ऑयल जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं वो नेचुरल सोर्सेस से आता है, जैसे कि कोकोनट हो गया, सैफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, सिसम ऑयल हो गया, ये सारे आलमंड ऑयल हो गए, ये सारे नेचुरल ऑयल हुए जो कि एक नेचुरल सोर्सेस से आते हैं। और जो दूसरा होता है मिनरल ऑयल, ये पेट्रोलियम सोर्स से या एनिमल फैट से आता है। तो जो पेट्रोलियम सोर्स से जो ऑयल आते हैं जैसे कि वैसलीन हो गया या दूसरे बेबी ऑयल, दूसरे ब्रांड के बेबी ऑयल हो गए, जो ये कंटेंट यूज करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ऑयल खरीदने जा रहे हैं तो एक बार आप उसका कंटेंट जरूर पढ़ें। अब नेचुरल ऑयल में बात करें तो कौन सा ऑयल अच्छा होता है, तो पहले बात करते हैं हम कोकोनट ऑयल के बारे में। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है, जिसे किसी भी बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है और जिसे कि हमने कोई सेंट वगैरह यूज नहीं किया गया है, कोई केमिकल नहीं यूज किया गया है, ऐसे ऑयल को हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी कहते हैं, यानी कि जिसे मिनिमल प्रोसेस किया गया हो, जो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल हो। तो ये ऑयल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। कोकोनट ऑयल में 92% सैचुरेटेड फैट होता है, ज्यादा से ज्यादा लॉरिक एसिड और मिस्ट्रिक एसिड होता है और कम अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मसाजिंग ऑयल है जिसे आप यूज कर सकते हैं और जो बहुत इंडिया में बहुत इजिली अवेलेबल है। दूसरा हम बात करें तो सैफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल में भी बहुत ज्यादा एसेंशियल एसिड होते हैं, जैसे कि अरेकिनोनिक एसिड होता है, लाइनोलेनिक एसिड होता है, ये भी काफी अच्छा होता है बेबी के लिए। कई सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो ऑयल है वो बच्चे की स्किन से अंदर भी एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे में आप जब भी ऑयल चूज करें तो आप बेस्ट ऑयल चूज करें जिससे कि बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ठीक है। फिर अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है एक बहुत ही नेचुरल ऑयल है जो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, हमारी दादी नानी मामी सभी यूज करते हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि मस्टर्ड ऑयल जो है वो एक बहुत अच्छा ऑयल नहीं है। इसमें एलील आइसोथायनेट होता है जिसकी वजह से स्किन में इरिटेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ हार्ड ऑयल होता है। इसके कंपैरिजन में कोकोनट ऑयल और सैफ्लावर ऑयल ज्यादा बेटर होते हैं। चौथा हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बाजार में बहुत बिकता है, बहुत धड़ल्ले से बिकता है और लोग समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये महंगा है तो अच्छा तो होगा ही। हालांकि ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड होता है जो कि थोड़ा सा इरिटेंट होता है, जो स्किन के काफी अंदर तक पेनिट्रेट करता है और छोटे बच्चों की स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो अंदर पेनिट्रेट करता है लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऑलिव ऑयल को हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। इसके कंपैरिजन में कोकोनट ऑयल, सैफ्लावर ऑयल ज्यादा बेटर होता है। चौथा हम बात करें पीनट ऑयल के बारे में। पीनट ऑयल ज्यादातर यूज नहीं करते हैं लोग और यूज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे एलर्जी होने की काफी ज्यादा चांसेस होती है। अब हम बात करते हैं मिनरल ऑयल के बारे में। बहुत सारे ब्रांड्स के मिनरल ऑयल अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूंगी बट आप सर्च करके देख लीजिए, कंटेंट में बहुत ज्यादा मिनरल ऑयल अवेलेबल है। मिनरल ऑयल को यूज करने में ऐसे एज सच बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है लेकिन जो स्टडीज में पाया गया है कि नेचुरल ऑयल मिनरल ऑयल से ज्यादा बेटर होते हैं। तो दूसरा आप ये देखें कि जब आप ऑयल खरीद रहे हैं तो वो सेंटेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेंटेड जो ऑयल होते हैं उसमें हार्श केमिकल यूज कर होते हैं। आप एक बार स्मेल करके देखिए, बहुत ज्यादा सेंट नहीं होना चाहिए ऑयल में।
इस हार्श केमिकल की वजह से बच्चे की स्किन इरिटेटेड होती है, उसकी स्किन डैमेज होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप सेंटेड या बहुत ज्यादा केमिकल वाले ऑयल यूज ना करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नेचुरल ऑयल यूज करें। ये काफी सस्ते होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। अगर आप देखेंगे बाजार में कुछ ऐसे भी ऑयल आते हैं जिसमें आता है 5 ऑयल इन 1 बॉटल, 7 ऑयल इन 1 बॉटल, तो इतने सारे ऑयल की बच्चे को जरूरत नहीं होती है, उसको बस एक ही ऑयल उसके लिए काफी होता है। इतने सारे ऑयल होने से फायदा तो कुछ होगा नहीं, बल्कि उसमें से किसी ना किसी एक ऑयल से की वजह से उसको एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार की आप फैंसी चीजों को अवॉइड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी और नेचुरल चीजें यूज करेंगे तो बच्चे को कोई भी डैमेज नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे को ऑयल मसाज कब कब नहीं देनी चाहिए। एक, अगर उसे फीवर है तो आप उसको मसाजिंग बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जो ऑयल है स्किन के ऊपर इतना लेयर बनाता है जिससे उसकी गर्मी बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए उसका जो फीवर है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, जल्दी नहीं उतरेगा। दूसरा, अगर उसने वैक्सीनेशन करवाया है तो आप 2 या 3 दिन तक उसको आप मसाज अवॉइड करें। तीसरा, अगर उसे किसी प्रकार की एक्जिमा हुई है तो उस पार्ट में आप मसाज ना करें। चौथा, अगर उसे घमोरी हुई है तो उस पार्ट में आप उसकी मसाज ना करें। तो ये जो है 4 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो है कि आपको कब कब मसाज नहीं करनी है बच्चे की। जब भी आप मसाज करते हैं तो अपने हाथ बिल्कुल आप साफ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें, किसी भी प्रकार की ज्वेलरीज रिंग वगैरह आप ना पहने। ये सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करेंगे, कम्प्लीटली सेफ मेथड से अगर आप बच्चे को मसाज करेंगे, अच्छी ऑयल यूज करेंगे, तो आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बच्चा जल्दी चलेगा, जल्दी बोलेगा और बच्चा खुश रहेगा। तो मैं और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे के कान में नाक में ऑयल डालते हैं, तो इस चीज को आपको टोटली अवॉइड करना है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। बच्चे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो काफी थिन होती है, तो अगर आप कान में नाक में ऑयल डालेंगे तो उससे इरिटेशन होगा, एलर्जी होगा और कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम ऑयल डालेंगे तो बच्चे का नाक साफ हो जाएगा, उसके कान साफ हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बच्चे के नोज कैसे क्लीन करने हैं, बच्चे के कान कैसे क्लीन करने हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप बच्चे के ऊपर बिल्कुल ना करें। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और अगर आपके कुछ डाउट है तो आप वो कमेंट करें, मैं आपको जरूर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो धन्यवाद, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइफ पर। थैंक यू।